सो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। सो गाइस देखो, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि गाइस देखो मुझे पता है आप में से बहुत बंदों का हेडशॉट नहीं लगता है, बट गाइस देखो फ्री फायर में कुछ ऐसे कैरेक्टर भी है जो कि गाइस अगर आप लोग यूज करते हो ना तो गाइस आपका जो हेडशॉट लगने का जो चांस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब ओवरऑल ये कैरेक्टर अगर आप लोगे ना तो आपका जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और आपका रिकॉइल भी कम हो जाएगा। और आप लोग अभी सोच रहे हो भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, बट हाँ गाइस फ्री फायर के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट कैरेक्टर है जो कि गाइस मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ गाइस आप लोगों को ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। और गाइस देखो ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ओपी है, बट आप लोग यूज नहीं करते हो क्योंकि गाइस आपको पता ही नहीं है, बट मैं आप लोगों को बता दूंगा इस वीडियो में, मतलब ओवरऑल सब कुछ इस वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और गाइस वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना। और गाइस देखो अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हो तो गाइस मेरे को फटाफट इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइस फटाफट 5000 फॉलोअर इंस्टाग्राम में करा दो यार, क्या कर रहे हो, तो गाइस फटाफट फॉलो कर लेना। सो गाइस देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा ना गाइस आप लोगों को वही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करना है, चाहे अगर आप लोग कस्टम खेल रहे हो या फिर फुल मैप खेल रहे हो या फिर गाइस अगर आप लोग सीएस रैंक खेल रहे हो तो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन गाइस जब भी आप लोग लोगे ना तो आपका जो हेडशॉट है वो बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। और गाइस देखो ये जो कैरेक्टर है गाइस ये आप लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेडशॉट मारने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। ये कैरेक्टर अगर आप लोग लोगे तो गाइस आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, और आपको तो गाइस पता ही है फ्री फायर में एक्यूरेसी कितना ज्यादा मैटर करता है। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा नहीं है ना तो गाइस आप लोग देना बॉडी बॉडी लगता है आपका गोली, मतलब एनिमी के बाहर चला जाता है, मतलब अगर आप लोग फायर करते हो तो गाइस आपका गोली लगता ही नहीं है एनिमी के ऊपर। बट अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है तो गाइस ओनली रेड नंबर ही लगता है। अगर आप लोग एक मतलब एक जो गोली है वो अगर आप लोग एनिमी के हेड पे कनेक्ट कर दिए ना तो गाइस आपका ओनली रेड ही पड़ेगा इस कैरेक्टर की वजह से। और गाइस मतलब पूरा जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा वही गाइस आप लोगों को यूज करना है। देखो गाइस जो फर्स्ट नंबर कैरेक्टर है जो कि गाइस आप लोगों को हेडशॉट मारने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा वो है गाइस डीबी कैरेक्टर। देखो गाइस जब भी आप लोग डीबी कैरेक्टर लोगे ना आपका जो एक्यूरेसी है ये कैरेक्टर 45% बढ़ा देगा। गाइस देखो अगर आप लोग 10 गोली फायर किए तो गाइस 10 में से 8 गोली लगभग आपका मतलब एनिमी के बॉडी पे लगेगा या फिर हेड पे लगेगा जहां पर आपका एम होगा। अगर आपका एम अच्छा है तो गाइस अगर आप लोग एक गोली भी हेड पे कनेक्ट कर दिए ना तो गाइस आपका ओनली रेड नंबर ही आएगा, और अगर आप लोग बॉडी पे कनेक्ट करते हो तो गाइस आप लोग ड्रैग करके इजीली हेडशॉट दे पाओगे। मतलब ओवरऑल ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा अच्छा है गाइस अगर आपका लो एंड डिवाइस है या फिर हाई एंड डिवाइस भी है तो भी गाइस आप लोगों को ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन मतलब ये कैरेक्टर आपको लेना ही लेना है, और बहुत ही ज्यादा अच्छा कैरेक्टर है यार। फ्री फायर वाले खुद ही देते कि आओ ये कैरेक्टर यूज करो और हेडशॉट मारो, बट आप लोग यूज नहीं करते हो, मुझे पता नहीं क्यों बहुत बंदे यूज नहीं करते। और ये कैरेक्टर के बारे में आपको पता था या फिर नहीं पता था मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, और बाय द वे ये कैरेक्टर गाइस जरूर से यूज करना आप लोग। इसके बाद गाइस देखो जो सेकंड नंबर कैरेक्टर है वो बताने से पहले गाइस देखो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे हेडशॉट टिप्स के बारे में बता देना चाहता हूं। गाइस देखो अगर आप लोगों का हेडशॉट नहीं लगता है ना तो गाइस सबसे पहला आप लोगों को अपना सेंसिटिविटी को अच्छा करना पड़ेगा। अगर आप लोगों का लो एंड डिवाइस है तो आप लोगों को अपना जो जनरल है ना उसको गाइस आप लोगों को 100 कर देना है, और गाइस अगर आप लोगों का थोड़ा हाई एंड डिवाइस है आप लोगों का अच्छा खासा फोन है, वन प्लस है या फिर मतलब आरओजी है, आसूस आरओजी है, मतलब थोड़ा सा हाई एंड डिवाइस है, 8GB रैम का फोन है, तो गाइस आप लोगों को अपना जो जनरल है ना वो गाइस आप लोगों को 85-97 रखना है। जो भी आप लोग सुइटेबल हो आप लोग खेल के देखना, जो भी आप लोग सुइटेबल हो वही रखना है। और बाय द वे आपके पास कौन सा डिवाइस है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और उसके बाद गाइस देखो जो सेकंड नंबर ट्रिक है हेडशॉट मारने के लिए वो है गाइस आपका एमिंग। गाइस आपका एमिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है मतलब हेडशॉट मारने के लिए। गाइस देखो अगर कोई बंदा लॉन्ग रेंज में है तो गाइस आपको जो अपना एम है ना वो जब भी रेड होगा, जब भी आपका एम रेड होगा उसी टाइम ही गाइस आप लोगों को ड्रैग करना है, तभी गाइस लॉन्ग रेंज में हेडशॉट लगेगा। और अगर कोई बंदा एकदम शॉर्ट में है तो गाइस आपका एम जब भी वाइट होगा उसी टाइम ही गाइस आप लोगों को ड्रैग करना है, तभी गाइस आपका इजीली हेडशॉट लगेगा। गाइस देखो जो थर्ड नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो आप लोगों ने अपना एक्यूरेसी अच्छा करना पड़ेगा हेडशॉट मारने के लिए, और एक्यूरेसी अच्छा करने का सबसे ज्यादा जो इजी वे है वो है गाइस देखो ये जो कैरेक्टर बता रहा हूँ, बाकी जो जो कैरेक्टर बता रहा हूँ वो गाइस आप लोग यूज करो, गाइस आपका एक्यूरेसी और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके बाद गाइस देखो जो सेकंड नंबर कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर है आप लोगों को यूज करना है वो है गाइस देखो दशा। दशा गाइस आप लोगों को यूज करना है, जब भी गाइस आप लोग दशा कैरेक्टर यूज करोगे आपका जो रिकॉइल है ना वो गाइस 10% कम हो जाएगा। और गाइस देखो रिकॉइल का मतलब क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गाइस देखो आपका जो गोली है ना देखना 5-6 गोली के बाद गाइस आपका जो मतलब एम है वो बड़ा हो जाता है, तो गाइस आपका मतलब गोली इधर उधर चला जाता है, बहुत ही ज्यादा फैल जाता है, तो एनिमी के बॉडी पे या फिर हेड पे नहीं लगता है। बट जब भी आप लोग ये कैरेक्टर यूज करोगे, जब भी आप लोग दशा यूज करोगे ना आपका ये जो रिकॉइल प्रॉब्लम है ये एकदम ही नहीं होगा, मतलब होगा बट बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो गाइस आप लोगों को दशा कैरेक्टर लेना है, इससे भी गाइस आप लोगों को हेडशॉट मारने में बहुत ही ज्यादा मतलब इजी होगा, और आपका जो एम है वो गाइस अगर एनिमी के हेड पे एक बार लॉक हो गया ना तो गाइस देखो जब भी आप लोग फायर करोगे ओनली रेड नंबर से
लगेगा। ये जो कैरेक्टर बता रहा हूँ ये अगर यूज करते हुए गाइस आपका अगर एम मतलब एनिमी के हेड पे लॉक हो गया तो रेडी पड़ेगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ ये कैरेक्टर जरूर से यूज करना। इसके बाद गाइस देखो जो थर्ड नंबर कैरेक्टर है जो कि गाइस आप लोगों को यूज करना है वो है गाइस लोडा कैरेक्टर। अब गाइस देखो अगर आप लोग ज्यादातर लॉन्ग रेंज में खेलते हो और लॉन्ग रेंज में गाइस आप लोग मतलब स्कोप इन ड्रैग करते हो, स्कोप खोल के गाइस अगर आप लोग ड्रैग हेडशॉट मारते हो ना तभी गाइस आप लोगों को ये लोडा कैरेक्टर लेना है। और अगर आप लोग ज्यादा लॉन्ग रेंज में नहीं खेलते हो, स्कोप खोल के अगर ज्यादा नहीं खेलते हो ना मतलब स्कोप खोल के स्कोप इन ड्रैग नहीं करते हो तो गाइस इसके अलावा लोडा के अलावा गाइस आप लोग रैफेल कैरेक्टर ले सकते हो, क्योंकि लॉन्ग रेंज में रैफेल कैरेक्टर जब भी आप लोग लोगे तो कोई भी बंदे को अगर आप लोग नॉक कर दिए ना वो गाइस ऑटोमेटिक 2-3 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएगा। तो गाइस आपके अंदर कोई भी टेंशन नहीं रहेगा मेरे को उसको फिनिश करना है, तो ये कैरेक्टर आप लोग ले सकते हो। इसके बाद गाइस देखो जो लास्ट नंबर कैरेक्टर है वो है गाइस एक्टिव स्किल की। आप लोगों को एक्टिव स्किल में क्या रखना है? अब गाइस देखो एक्टिव स्किल में बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि गाइस क्रोनो हो गया, वुकोंग हो गया, बहुत कुछ हो गया, स्काइलर हो गया। तो गाइस देखो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं गाइस हेडशॉट के लिए सबसे ज्यादा जो एक्टिव स्किल में जो अच्छा कैरेक्टर है ना वो है गाइस वुकोंग। क्योंकि गाइस देखो वुकोंग जब भी आप लोग होगे तो गाइस घास फूस हो गए आप लोग इजीली मतलब एम करके मार सकते हो। आप लोग जब भी घास हो गए तो घास हो गए गाइस आप लोग ओपन में न्यू वॉक कर सकते हो, घास हो गए घास फूस हो गए ओपन में न्यू वॉक कर सकते हो और इजीली गाइस आप लोग ड्रैग करके मार सकते हो। तो गाइस आप लोग वुकोंग जरूर से यूज कर सकते हो। और अगर आप लोग को वुकोंग यूज करना मतलब अच्छा नहीं लगता है तो तब आप लोग क्रोनो ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और बाय द वे ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन गाइस आप लोग यूज करना बहुत ही ज्यादा आप लोग को हेल्प मिलेगा। और ये वीडियो गाइस आप लोग को कैसा लगा मेरे को कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। वीडियो गाइस लाइक नहीं किया तो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना। और हाँ गाइस याद से मेरे को इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना यार, इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी जरूर से कर देना। और गाइस देखो अगर आप लोगों को क्लैश स्क्वाड रैंक के रिलेटेड कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए ना तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस अगर आप लोगों को वन टैप हेडशॉट टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो।